बीते 24 घंटे में वायरल हुआ एक पोस्ट भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के ताजा हालात को दर्शाती एक ग्राफिक पैरोडी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में उबर के पन्ने को बदल दिया गया है और उसमें कारों की जगह नावों की पेशकश दी गई है। स्वाभाविक रूप से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण पूर्वी बेंगलुरु के बाहरी रिंग रोड में जिस तरह पानी बह रहा है, ये पोस्ट वायरल हो गया है। एक और पोस्ट जिसे बिजनेसमैन मोहन दास पाई ने ट्वीट किया, उसे आईटी सेक्टर के नजरिए से देखा जा रहा है। एक तीसरा ट्वीट भी है जिसमें उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग के घरों को गिराने में इस्तेमाल किए गए राजनीतिक मुक्केबाजी के हथियार बुलडोजर का इस्तेमाल दिखता है। हालांकि यहां ये बुलडोजर बचाव अभियान के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। बेंगलुरु में रविवार की रात को आई भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। भारतीय मौसम विभाग के स्थानीय कार्यालय ने बताया कि इतनी अधिक बारिश इससे पहले सितंबर 1998 और 2014 में हुई थी। 3 सितंबर को 13.18 सेंटीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से जमे मटमैले पानी से होकर जिन लोगों ने भी अपनी कारें गुजारी हैं, उनके पैर काम गए। आईटी उद्योग में काम कर रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, मैं एक मीटिंग में शामिल होने दफ्तर गया। जब वहां पहुंचा तो कोई और दफ्तर नहीं पहुंच सका था, तो मैं वापस आ गया, लेकिन सच मानिए कि मेरा कलेजा मुंह में आ गया और मेरे पैर बहुत बुरी तरह काम रहे थे। इस अधिकारी ने कहा, कंपनी में मैं एक अहम पद पर कार्यरत हूं और ये बहुत शर्मनाक था कि अपने ही दफ्तर के मैसेज पढ़ पाने में मैं नाकाम रहा, जिसमें दफ्तर की ओर से काम पर आने से मना किया गया था क्योंकि आउटर रिंग रोड से होकर यहां किसी भी तरफ से पहुंच पाना मुश्किल था। सॉफ्टवेयर उद्योग के केंद्र बेंगलुरु में इस कंपनी की तरह ही कई अन्य आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस पूरे हफ्ते घर से काम करने को कहा है। वहीं कई स्कूल भी कोविड के दौरान जिस तरह ऑनलाइन चल रहे थे, उसी तरह चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में हुई इस बारिश के पीछे शीर जोन है जो समंदर से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसमें गर्म हवाओं का एक और झुकाव होता है और साथ ही आसपास जलभराव के कारण बादल बनते हैं। मौसम विभाग बेंगलुरु में वरिष्ठ वैज्ञानिक के प्रसाद ने बीबीसी हिंदी से कहा, यही वजह है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व बेंगलुरु में शहर के नॉर्थ या इसके पूर्वोत्तर इलाके की तुलना में अधिक समस्याएं हुई, लेकिन 11 डिग्री अक्षांश पर बने इस शीर जोन की वजह से उस मांडिया जिले में जोरदार बारिश हुई जहां कावेरी के पानी को साफ करके बेंगलुरु शहर के लिए पीने का पानी सप्लाई कराने के पंपिंग सेट लगाए गए हैं। इन पंपिंग स्टेशन के इलाके में बहुत तेज बारिश जिसकी वजह से शहर में अगले 2-3 दिनों के लिए पीने का पानी प्रभावित रहेगा। चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने बीबीसी हिंदी को बताया, सामान्य से 3 गुना या 4 गुना अधिक बारिश का शहर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहली बार शहर के सभी जलाशय भरे हुए हैं, वहां और अधिक पानी के जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। साफ तौर कहें तो कहीं अधिक भारी बारिश से हुए इन जल जमाव को हटाने की हमारे पास क्षमता नहीं है। 31 अगस्त को 120 मिलीमीटर बारिश और फिर 3 सितंबर को इतनी अधिक बारिश से शहर के लिए मुश्किल पैदा हुई है। हमें इस स्थिति को बाढ़ के तौर पर देखना चाहिए, गिरिनाथ ने बताया। हालांकि अथॉरिटी की कोशिशों से सोमवार को बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों की संख्या आधी हो गई है जो पहले 70 से अधिक थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने का काम भी चल रहा है। ये काम शुरू हो चुका है और आगे हम इसमें और भी तेजी लाएंगे। बेंगलुरु में बार बार हो रहे जल जमाव की बहुत आलोचना होती रही है और इस बार तो ये पहले से कहीं अधिक है। एनजीओ जनग्रह के प्रमुख श्रीनिवासन अलावली कहती हैं, इस बार इससे वो इलाके प्रभावित हैं जहां सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग एक्टिव हैं, इसलिए पहले की तुलना में ये आलोचना बड़े पैमाने पर है। साथ ही बाढ़ की स्थिति भी पहले से विकराल है, लेकिन ये स्थिति खत्म हो उससे पहले एक और भारी बारिश की संभावना है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। श्रीनिवासन कहती हैं, यह व्यवस्था की समस्या है। बेंगलुरु में तालाबों का एक नेटवर्क है और यह ऊंचाई पर बसा है। बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं वो 2015 में चेन्नई और अन्य शहरों जैसे कि हैदराबाद, कोलकाता और अन्य शहरों की स्थिति से अलग नहीं है। सभी शहरों में कमोबेश यही स्थिति है। जैसा कि चेन्नई में देखा गया, जो जगह कभी जल निकाय हुआ करते थे वहां आज बड़े बड़े आवासीय और व्यावसायिक इमारतें बनी हैं। शहरी योजनाकार वी रविचंदेर ने कहा, विकास कार्यों ने प्रकृति की रूपरेखा का सम्मान नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि प्रकृति के तौर तरीकों को आप अवरुद्ध कर सकते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हमने पानी के जलाशयों को आईटी पार्क में बदल दिया, प्रकृति उसका सम्मान नहीं करेगी और यह समस्या जल्द खत्म होने नहीं जा रही। रविचंदेर कहते हैं, धीरे धीरे स्थिति खराब ही होगी, इससे बढ़िया स्थिति नहीं होगी। हमने अपनी बसने की क्षमता से अधिक बसावट बना लिए हैं।
बरसाती पानी के हमारे नाले भी पहले से छोटे हो गए हैं क्योंकि हमने इनकी सफाई नहीं करवाई है, और यही सरकार की योग्यता की समस्या आती है। श्रीनिवासन कहती हैं, यह खतरनाक चक्र है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह प्रशासन की कमी है। क्या इस तरह के बाढ़ की स्थिति के बाद कोई ऐसा है जो इस बार बार हो रही समस्या के आधार पर चुनाव हार गया हो? उन्होंने इसे जटिल बना दिया है। शायद ये 1901 के जैसी स्थिति है जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार हुआ था। शहर भले ही 21वीं सदी में है लेकिन यहाँ का शासन अभी 19वीं सदी में ही है। रविचंदेर के मुताबिक स्थिति में सुधार के लिए और एक उपाय ढूंढने के लिए आसपास के समूचे समुदाय को एक साथ आना होगा, लोगों को सहयोग करना होगा, उन्हें तकनीकी विशेषज्ञ को ढूंढना होगा और उसे सरकार के पास ले जाना होगा और उसे लागू करवाना होगा और ये कहना होगा कि हम उसकी निगरानी करेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।